जा रही है। इसी मांग को लेकर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का एक और गुट दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहा है। हवा सिंह सांगवान की अगुवाई वाले गुट का कहना है कि हर हालत में 16 अगस्त को जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। केंद्र में जाट आरक्षण की मांग फिर से तेज होती जा रही है। आरक्षण के इस मुद्दे पर संघर्ष करने वाली समितियां भले ही गुटों में बटी हों, लेकिन सबने अपने अपने अंदाज में कमर कस ली है। हवा सिंह सांगवान की अगुवाई वाले अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के गुट ने 16 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। हवा सिंह सांगवान ने कहा कि 16 अगस्त को प्रदर्शन जरूर होगा और पहले से बड़ा होगा। और जो उसका लाभ नहीं मिलता है तो आंदोलन 16 अगस्त से निश्चित है और हमको मजबूर होकर करना पड़ेगा और यह अभी आंदोलन होगा। इस आंदोलन में बिल्कुल जब तक केंद्र मार्च नहीं मिल जाएगा जाट जो है जंतर मंतर को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आंदोलन जो हमने 2011 में रोकी थी उससे भी जो है ज्यादा आंदोलन हो गए और देखना समय आने पर पूरा हरियाणा का जाट इसके लिए खड़ा हो जाएगा। सांगवान ने कहा कि इस आंदोलन के लिए उन्हें बाहरी जाट नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि हरियाणा के जाट पूरे देश के जाटों के लिए आरक्षण दिलाने में मददगार साबित होंगे। हमको इस आंदोलन के लिए किसी बाहरी जो है जाट नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरियाणा का जाट खुद सक्षम है और ये खुद लड़ाई अपनी लड़ेगा और दूसरे राज्य के जाटों को भी आरक्षण हरियाणा का जाट दिलाएगा। सांगवान ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमरिंदर ने कांग्रेस की सरकार के दौरान पंजाब में जाटों के लिए कुछ नहीं किया और अब जाटों को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पंजाब के जाटों को स्टेट में आज तक आरक्षण नहीं और इनकी खुद जो है कांग्रेस की वहाँ सरकार रही और अमरिंदर साहब ने वहाँ कुछ नहीं किया और वहाँ पर जो पिछड़ा आयोग है वो 10-11 साल से बने हुआ है, जो कोई चेयरमैन नहीं है, दो मेंबर है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ पर हमको जो है दिल्ली में हमको आरक्षण दिलाएंगे तो ये जो है जाट समाज को बहकाने वाली बातें हैं। जाट आरक्षण की जंग एक बार फिर से शुरू होती दिखाई दे रही है। इस बार लड़ाई केंद्र से है और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति पूरे देश में जाटों के लिए आरक्षण की मांग कर रही है। हालांकि समिति में दो फाट भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस आंदोलन की दशा क्या होगी और ये कितना कारगर साबित होगा। एवं तहलका हरियाणा के लिए भवानी खेड़ा से जगबीर घनघस की रिपोर्ट।